आज का जो क्लास है हम लोग का वो है जिम्नोस्पर्म का, है ना। पिछले क्लास में टेरिडोफाइटा तक आप लोग पढ़ चुके हैं। आज जिम्नोस्पर्म यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं नग्नबीजी, ठीक है। यह अब और भी ज्यादा विकसित हो चुका है पहले की तुलना में। पहले जो प्लांट था हमारा वो इतना विकसित नहीं था जितना यह हो चुका है ना। इस प्लांट का जो मुख्य लक्षण है जो परीक्षा में आ सकते हैं उसी पर सिर्फ हम लोग डिस्कस करेंगे, तो ज्यादा इस पर हम लोग गहराई में नहीं जाएंगे, ठीक है। चूंकि आप लोग का कम्पिटेटिव वाला एग्जाम है तो कंपटीशन में ज्यादा कुछ नहीं आता है, लेकिन है कि अगर आप थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो इससे रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन घुमाएगा फिराएगा आप इसको देख सकते हो। तो जिम्नोस्पर्म यानी कि अब बहुत करीब पहुंच चुका है एंजियोस्पर्म का। इसके बाद का जो इवोल्यूशन होगा तो एंजियोस्पर्म ही होगा, और ये एंजियोस्पर्म इस धरती पर सबसे ज्यादा पाया जाता है, यह सबसे ज्यादा विकसित है ना, यह हर जगह पाया जाता है। लेकिन जिम्नोस्पर्म में अभी भी कुछ कमी है, लेकिन इन्होंने जितना इवॉल्व किया यह भी काफी है ना। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है कि इसमें जो है जैसे नाम से ही पता चलता है नग्न बीजी, बीज इसका नग्न है, यानी कि बीज जो होता है यह फल के अंदर नहीं है, है ना। बीज क्या होता है इसमें, फल के अंदर नहीं होता है। तब कहाँ होता है बीज, तो बीज ऐसे ही रहेगा, ठीक है, फल के बाहर, फल ही नहीं होता है इसमें, तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं नग्न बीजी, ठीक है। यानी कि अगर इसके हम पुष्प की बात करें, ठीक है, तो चूंकि बीज बनता है पुष्प के अंदर जो ओव्यूल रहता है, जो बीजांड रहता है उसी से तैयार होता है, तो इसके पुष्प की अगर बात करें तो उसमें क्या होता है, जो ओव्यूल है, ओव्यूल का मतलब हिंदी में कह सकते हैं इसको हम लोग बीजांड, है ना। ओव्यूल जो होता है ओवरी के अंदर नहीं है, ठीक है, यानी ओवरी वाल से कवर्ड नहीं है, ठीक है। ओवरी वाल मतलब अंडाशय का वाल, ओवरी वाल से घिरा हुआ नहीं होता है, ठीक है। क्लियर है यहां तक, ये समझ में आ गया, ठीक है। यानी कि जो सीड बनता है उस वह सीड भी फल के अंदर नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये जो बीज है इसी ओव्यूल से बनता है, निषेचन के पहले यह ओव्यूल है और उसके बाद यह बीज बनता है। तो जब पहले ही इसमें कवर नहीं है तो बाद में भी कवर नहीं बनता है, क्योंकि फल जो बनता है इसी ओवरी वाल से तैयार होता है। ओके, यहां तक तो यह इसका मेन पॉइंट है, याद रखना। सबसे बड़ा इसका लक्षण यही है कि यह नग्न बीजी होता है, बीज किसी फल के अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है। एक और लक्षण, इसका जड़ पर चढ़ते हैं तो जड़ तो इसमें मूसला जड़ ही होता है सारे में, लेकिन इसमें एक स्पेशल जड़ भी होता है। मूसला जड़ सब में है, एंजियोस्पर्म में भी आप लोग मूसला जड़ देखे हुए हैं कि एक मेन जड़ होता है, ये बढ़ते जाता है और साइड से जड़ निकल, ये बढ़ते जाएगा साइड से जड़ निकलते जाएगा, इसको कहते हैं मूसला जड़, है ना, टैप रूट अंग्रेजी में इसको कहते हैं। तो कुछ में, ठीक है, एक स्पेशल जड़ होता है जिसको हम लोग कहते हैं कोरालॉयड रूट, ये आता है परीक्षा में, है ना, स्पेशल जड़ है कोरालॉयड रूट होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है साइकस, यानी कि जिम्नोस्पर्म का एक प्लांट है जिसका नाम है साइकस, उसके उसमें कैसा जड़ होता है, एक कोरालॉयड रूट होता है, बड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके एकदम से होता है, इसी को हम लोग कहते हैं कोरालॉयड रूट। इस रूट के अंदर अगर हम जाएं तो अंदर में क्या है इसका, ब्लू ग्रीन एल्गी पाया जाता है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कि हमने बताया था मोनेरा वाला में, है ना, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग नील हरित शैवाल। यह जो है इस जड़ के अंदर सिम्बायोसिस यानी कि सहोपकारिता का संबंध बना करके रहता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये यहां से ये क्वेश्चंस आता है, ठीक है, कि नील हरित शैवाल क्या होता है, साइकस के कोरालॉयड रूट के अंदर रहता है। इस तरह से दोनों के बीच में
एक सहोपकारिता का संबंध बनता है, दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाता है, दोनों एक दूसरे का उपकार करता है, ऐसे संबंध को कहते हैं सहोपकारिता का संबंध या सिम्बायोसिस या फिर म्यूचुअलिज्म। क्लियर है यहां तक? ये समझ में आ गया? ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और बताते हैं इसका जड़ का एक और खूबी होता है, आप लोगों ने सुना होगा माइकोराइजा, पहले भी बताया है। ठीक है, माइकोराइजा है ना? क्लियर है? तो माइकोराइजा क्या होता है? तो माइकोराइजा का मतलब होता है कि जो आपने कवक पढ़ा, कवक और, ठीक है, कवक और उच्च वर्गीय पौधों का जड़, ठीक है, यानी कि यहां पर उच्च वर्गीय में जिम्नोस्पर्म भी आएगा, जिम्नोस्पर्म का जड़, खास करके कौन सा जिम्नोस्पर्म? तो पाइनस, पाइनस इसका उदाहरण है ना? इस दोनों के बीच में एक सहोपकारिता का संबंध है ना? इसी संबंध को हम लोग कहते हैं माइकोराइजा, है ना? यह दोनों भी एक दूसरे को फायदा पहुंचाता है। ठीक है, कवक इसको फायदा पहुंचाता है, नमी को अवशोषित किया, पैथोजन को मार दिया, पोषक पदार्थों को मिट्टी से अवशोषित करके सब इसको देता है, बदले में यह भोजन बना के इसको देता है भोजन पानी, ताकि यह भी वृद्धि कर सके। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, यह भी खूब आता है, तो इसलिए इसको भी याद रखना है। ओके, यहां तक। इसके बाद है, यहां इसके जड़ के बारे में समझ में आ गया। इसका तना की अगर हम बात करें, चूंकि अब सारे पौधे में जड़ तना पत्ता खूब विकसित होगा, ठीक है, तो इसका अगर तना की बात करें तो तना इसका अच्छा ही है, एरियल मतलब जमीन के ऊपर रहेगा, सीधा रहेगा, मजबूत थोड़ा होगा, शाखा बना हुआ होगा। तो यहां पर थोड़ा सा ये याद रखना है कि शाखित भी होता है और अशाखित, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि ये पूछे या ना भी पूछे, अगर थोड़ा सा गहराई में जाएगा तो इसको पूछा जा सकता है। शाखित का उदाहरण है पाइनस और अशाखित का उदाहरण जो है वो है साइकस, ये दोनों याद रखना है। इसका तना शाखित होता है पाइनस का, लेकिन साइकस का तना क्या होता है? यह अशाखित होता है। ठीक है, जो पत्ती होता है यह दो रूपों में इसमें हो सकता है, एक बड़ा साइज का होता है, बड़ा और हरा कलर का। इस पत्ती को हम लोग कहते हैं फॉलिएज लीप, है ना? क्या कहेंगे इसको हम लोग? फॉलिएज लीप। और एक होता है छोटा होगा, और ये जो होता है दूसरा जो होता है ये छोटा टाइप का होगा और ब्राउन यानी कि भूरा कलर का होता है। इस लीफ को हम लोग कहते हैं स्केल लीफ, है ना? तो इंपॉर्टेंट यही लीफ पूछा जाता है, यही मेन लीफ यही है, फॉलिएज लीफ, जो बिल्कुल लीफ की तरह दिखता है ना? छोटा वाला जो है स्केल की तरह होता है, तो इसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये पत्ती के बारे में आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। क्लियर है? ये हो गया, नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, इसमें जाइलम पाया जाएगा, है ना? तो जाइलम में क्या होता है? जाइलम के द्वारा आपको पता है कि इसी के द्वारा, ठीक है, जल और खनिज लवण पत्ती तक पहुंचता है। सब कोई पढ़े हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, जल और खनिज लवण का यह संवहन होता है, सबको पता है। ठीक है, यहां पर का जो क्वेश्चन ये है कि जाइलम में चार अवयव होता है, अगर उच्च वर्गीय पौधे यानी एंजियोस्पर्म में जाए, पुष्पीय पादप में जाए, तो वहां पर चार अवयव होगा, लेकिन यहां पर तीन ही होता है, चौथा कौन गायब है ना? तो देखिए होता कौन कौन है, पहले ये बताते। एक होता है जाइलम वेसल्स, ठीक है, कौन होता है? एक जाइलम वेसल्स हुआ, जाइलम ट्रैकियार्ड्स, जाइलम फाइबर, और एक होता है जाइलम पैरेन्काइमा।
ये चार अवयव होता है जाइलम में, जिसमें से ये जाइलम वेसल्स इसमें क्या होता है जिम्नोस्पर्म में नहीं पाया जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, तीन पार्ट्स ही है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ना, ये परीक्षा में आता है ना, कि इसमें जाइलम में चार कंपोनेंट तो हम जानते ही होता है, लेकिन एक कंपोनेंट का यहाँ पर अभाव होगा, जाइलम वेसल्स नहीं होता, यानी कि जाइलम अभी भी पूर्ण रूप से यहाँ पर विकसित नहीं हुआ है ना। लेकिन एंजियोस्पर्म में जाएंगे तो ये चारों मिलने वाला है। ओके, यहाँ तक। अब है फ्लोएम के बारे में भी बता देते हैं कि फ्लोएम में क्या होता है। फ्लोएम के बारे में आप लोगों ने सुना है, एंजियोस्पर्म पाया जाता है, इसका मुख्य काम क्या है, इसका काम है भोजन का संवहन, पत्ती में जो भोजन बनता है उसको पौधे के सभी भागों में बेचता है, ठीक है, ये किसका काम है, फ्लोएम का काम है, ठीक है। लेकिन इसमें भी चार अवयव होता है, लेकिन चार अवयव में से दो चीज इसमें नहीं होता है, एक सीव ट्यूब्स और दूसरा कॉम्पेनियन सेल, ठीक है, दो दो पार्ट्स इसका गायब है, यह भाग इसमें क्या होता है, इतना भाग अनुपस्थित है, यह पार्ट्स इसमें क्या होता है, नहीं पाया जाता है। तो पाया क्या जाता है, तो इसमें पाया जाएगा एक सीव सेल पाया जाएगा, फ्लोएम पैरेन्काइमा पाया जाएगा, ठीक है, फ्लोएम फाइबर पाया जाएगा, है ना, ये हो सकता है। क्लियर यहां तक, तो ये हुआ फ्लोएम के बारे में, सब इंपॉर्टेंट बता रहे सारा चीज, ठीक है, यहां तक क्लियर। इसके बाद आते हैं अब इसका लाइफ साइकिल के बारे में। टेरोफाइटा में हमने देखा था कि उसका जो स्पोरोफाइटिक प्लांट था, तो यह भी स्पोरोफाइटिक, इसका भी जीवन जो शुरुआत होगा वो स्पोरोफाइट से ही शुरू होता है, यानी इसका जो प्लांट है जिसमें जड़ तना पत्ता विकसित दिखता है वो स्पोरोफाइट है, क्या है वो, स्पोरोफाइट प्लांट है ना, क्या है वो, स्पोरोफाइट, यानी स्पोरोफाइट में ही मेन पेड़ पौधा सब इसका दिखता है, जो कि डिप्लोइड होगा, जड़ तना पत्ता सब इसी में दिखता है। तो वहां पर क्या था टेरोफाइटा में, कि सबके सब होमोस्पोरस था, एक ही प्रकार का सब स्पोर बनाता था, लास्ट का एक मेंबर सिर्फ सेलेजिनेला में हमने देखा था कि वह दो प्रकार का स्पोर बनाता है, यानी कि हेटरोस्पोर है, लेकिन यहां पर सबके सब हेटरोस्पोरस होगा, क्या होगा, सबके सब हेटरोस्पोरस होगा, हेटरोस्पोरस का मतलब यह दो प्रकार का स्पोर बनाएगा, एक बनाता है माइक्रोस्पोर, क्या बनाएगा, एक माइक्रोस्पोर और एक बनाएगा मेगा स्पोर, है ना, दो तरह का स्पोर बनाया, कौन कौन सा, एक माइक्रोस्पोर और एक मेगा स्पोर। कहां पर बनता है, तो हमने टेरोफाइटा में देखा था कि लीफ पर ही तैयार हो जाता है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा, है ना, यहां पर वो जितना लीफ था जिसको कि स्पोर बनाना है, वह लीफ आपस में इस तरह से जुट करके व्यवस्थित हो जाता है कि एक विशेष संरचना बनाती है ना, यानी कि जिस पत्ती पर, ठीक है, जिस पत्ती पर स्पोर तैयार होता था, यह सारा पत्ती आपस में मिलकर के एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाता है जिसको कहते हैं स्ट्रोबली, या फिर इसका दूसरा नाम होता है कोन, ठीक है, क्या कौन सा स्ट्रक्चर है, वहां पर तो लीफ ही रहा था, लेकिन यहां पर क्या होता है, ये स्ट्रोबली यानी कि कोन बनाएगा, यानी कई सारा लीफ एक साथ जुट करके, जैसे मानते ये है तो इसमें कई सारा लीफ आपस में जुटा हुआ है ना, गूगल पर सर्च कीजिए तो आपको पिक्चर भी नजर आ जाएगा स्ट्रोबली यानी कि कोन का। तो इस पर जो स्ट्रक्चर ये पाया जाता है, अगर इसको अगर हम लेते हैं तो इसी के अंदर इसको हम लोग कह सकते हैं, एगो को स्पोरोफिल कह सकते हैं, जिसके अंदर क्या है, स्पोरेंजिया है ना, क्या है इसके अंदर, स्पोरेंजिया है, एक सेकेंड और बताते हैं थोड़ा सा, है ना,
तो यहां पर बनता है स्पोरोफिल। कहां पर है स्पोरोफिल? तो वही कोन पर, यानी कि स्ट्रोबाइलस पर। दो प्रकार का कोन हो जाएगा, एक मेल के लिए एक फीमेल के लिए, यानी कि मेल कोन और फीमेल कोन, दोनों कोन पर स्पोरोफिल होगा, है ना। जो एक सेकंड इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं, यानी कि जो कोन है यह कितना प्रकार का हो गया? दो प्रकार का हुआ। एक हो गया कौन सा? मेल कोन, और दूसरा हो गया फीमेल कोन, है ना। मेल कोन के अंदर बहुत सारा स्पोरोफिल तैयार होगा, जैसे वहां लीफ पर तैयार होता था, ठीक है। क्या कहते हैं इसको हम लोग? माइक्रो स्पोरोफिल, और ये कहलाएगा मेगा स्पोरोफिल, इसमें जो बनेगा, ठीक है। अभी सबके सब डिप्लोइड ही है, कोई हैप्लोइड नहीं है। इस माइक्रो स्पोरोफिल के अंदर स्पोरेंजिया बनेगा, जिसको कहेंगे माइक्रो स्पोरेंजिया, और मेगा स्पोरोफिल के अंदर बनेगा मेगा स्पोरेंजिया। ये याद करने की जरूरत नहीं, समझने के लिए बता रहे हैं कि कहानी इसी से तैयार होनी है। और माइक्रो स्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेगा? माइक्रो स्पोर्स बनेगा, और इसके अंदर बनेगा मेगा स्पोर्स। तो यह हैप्लोइड होगा। क्या होगा? ये हैप्लोइड, क्योंकि इसका निर्माण जो होता है यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन से होता है। कोशिका विभाजन का एक प्रकार है अर्धसूत्री विभाजन, इसी में विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है? ये तैयार होता है। क्लियर है? ये समझ में आ गया? तो ये कोन हो गया दो प्रकार का, मेल कोन और फीमेल कोन, दोनों में अलग अलग प्रकार के स्पोर बनते हैं, माइक्रो स्पोर और मेगा स्पोर। क्लियर है? अब है कि माइक्रो स्पोर क्या करेगा, तो हमने बताया टेरिडोफाइटा में माइक्रो स्पोर वृद्धि करता है, तो हार्ट आकार का संरचना वहां पर बना रहा था, जिसको हम लोग कहते थे मेल गैमेटोफाइट। तो यहां पर भी क्या होगा? माइक्रो स्पोर विकसित होकर के क्या बनाएगा? मेल गैमेटोफाइट, जिसको हम लोग यहां पर कहते हैं पॉलेन ग्रेन, यानी कि पराग कण, ठीक है। आप लोगों से यहां पराग कण के बारे में चर्चा हो सकती है। इसी पराग कण के अंदर नर युग्मक बनता है ना। और दूसरा जो बताया मेगा स्पोर, यह डेवलप होगा तो बनाएगा, क्या बनाएगा? ये फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बनाएगा? ये फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। इसी के अंदर जो है फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर में ही क्या बनेगा? फीमेल गैमेट, जिसको हम लोग कहते हैं एग, यानी कि मादा युग्मक, है ना। ओके, यहां तक। अब क्या होगा? ये जो पॉलिन ग्रेन है, ठीक है, यह हवा में उड़ करके, हवा के द्वारा, ठीक है, हवा के द्वारा इसमें क्या होता है? परागण होगा। क्या होगा इसमें? परागण होगा, ठीक है। ये हवा में उड़ करके ये कहां पहुंचेगा? मादा तक पहुंचेगा, ठीक है। कहां पहुंचेगा ये? यानी इसमें हवा के द्वारा परागण होता है, तो पराग कण जो है हवा में उड़ करके, ठीक है, कहां पहुंचा? मादा तक पहुंच गया, और वहां अंकुरित होगा, यानी कि मादा युग्मक से मिलेगा, तो वहां पर वह क्या करेगा? निषेचन करेगा, ठीक है। क्या करेगा? निषेचन करेगा। निषेचन करेगा तो यह बनाएगा जाइगोट, जो कि 2N होगा। क्लियर यहां तक? तो इसमें क्या होगा? जो मेगा स्पोरोफिल था, जहां की ओव्यूल था, तो निषेचन जब हो जाएगा, तो निषेचन के बाद जो ओव्यूल था उसका परिवर्तन सीड में हो जाता है,
यही सीड जब हम फिर से लगाते हैं तो ये से नया पौधा तैयार होगा, यानी सीड यहाँ तक में जिम्नोस्पर्म में तैयार हो चुका है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो गया हमारा जिम्नोस्पर्म। क्लियर है? तो इसके बाद कल का क्लास में एंजियोस्पर्म बताएंगे और उसके बाद तब इस पूरे प्लांट ग्रुप का हम टेस्ट लेंगे, ठीक है, जो ग्रुप में रहेगा। क्लियर है? तो आज आप इसको देखिए, कई बार देखिए, बार बार देखिए, कोई डाउट होता है तो आप लोग क्वेश्चंस पूछिए, ठीक है? चलिए, ओके, बाय।